इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास TG113 ब्लूटूथ स्पीकर है और इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका चार्जिंग जैक है वो प्रिंट समेत निकल के बाहर निकल गया है। तो ऐसे में जिस भी कस्टमर का ये ब्लूटूथ स्पीकर है उन्होंने 2-3 दुकान पे इसे रिपेयर करवाने की कोशिश की, लेकिन सभी दुकानदार ने ये बोल के मना कर दिया कि भाई इसका जो प्रिंट है वो उखड़ गया है, इसलिए अब ये रिपेयर नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का किसी भी मॉडल का कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर है और उसका चार्जिंग जैक का प्रिंट उखड़ गया है तो किस तरीके से आपको इसके वायर के कनेक्शन करने हैं, किस तरीके से जैक को लगाना है, ये सारी जानकारी मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्पीकर के सर्किट को निकालना है। तो यहाँ पे 2 पेज है और इस साइड रबड़ को हटाते हैं तो यहाँ पे 2 पेज हैं, तो हमें चारों पेज को खोलना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट सारे पेज को खोल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों पेज को ढीला कर लिया है। अब सिंपली इस तरीके से हम पकड़ के बिल्कुल आराम आराम से इसको उठाएंगे। इस तरीके से देखिए मैंने इसको उठा लिया है, पेज को हम नीचे की तरफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फंसा हुआ पेज और 2 हमारे इस रबड़ के नीचे ही है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसके अंदर वायर लगी है इसको हटा लेना है। ये हमारी बैटरी वाली वायर है, ठीक है, और ये हमारे स्पीकर वाली वायर है, तो इसको हमने हटा दिया, इसको हम रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये हमारा मेन बोर्ड है और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमारा चार्जिंग जैक लगा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग जैक लगा हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सारे प्रिंट उखड़ गए हैं और इस साइड में भी हमारे प्रिंट उखड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको घबराना नहीं है, जब भी आपके साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 पेच लगे हुए इसको भी खोल लेता हूँ, इस बोर्ड को बाहर निकालूँ ताकि सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाओ। और मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू इसके कनेक्शन बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करने होते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, ऐसे में लोग घबरा जाते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता, आप बड़े आराम से इसके कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन बोर्ड आ गया है बाहर और यहाँ पे हमारा चार्जिंग जैक लगा हुआ था। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो हमारी सप्लाई की वायर होती है इसके बीच वाले प्रिंट उखड़ गए हैं। देखिए इस साइड में ये एक नंबर वाली पिन बची हुई है, हमारा यहाँ पे प्रिंट है, 2, 3 उखड़ गया है, 4 हमारा यहाँ पे हल्का सा है, 5 प्रिंट उखड़ गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखिए इस टाइप की जब प्रॉब्लम आए तो इसके अंदर आपको इसके कनेक्शन पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू इसके कनेक्शन बताना चाहूंगा। पीछे की तरफ 5 पिन होती है, ये आपको याद रखना है, कोई भी चार्जिंग जैक होगा उसके 5 पिन होगी उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ, ये मेरे पास एक चार्जिंग जैक है, ये देखिए ये पूरा बॉक्स है, इसमें अलग अलग तरह के कनेक्टर हैं। मैं कोई भी एक कनेक्टर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके अंदर से ले लेते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने ये कनेक्टर लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर आप इसके पीछे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर टोटल आपको 5 पिन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 पिन मिल रही है, तो ऐसे इसके 5 पॉइंट होते हैं बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे उखड़ गए हैं, तो देखिए अब इसके अंदर कनेक्शन कैसे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पेज पे मैं आपको इसके कनेक्शन समझाऊंगा किस तरीके से हमारे इसके अंदर कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरी जो ड्रॉइंग है इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चार्जिंग कनेक्टर बना लेते हैं। देखिए इस टाइप का कुछ चार्जिंग कनेक्टर होता है हमारा, इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट और एक यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, पीछे की साइड में हमारी टोटल 5 पिन होती है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे टोटल हमारी 5 पिन हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पहले नंबर की पिन होती है ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ट्रैक जाता है और यहाँ पे कुछ दूरी बाद आपको ऐसा एक काले रंग का डायोड मिल जाएगा, ये इसके अंदर इसका कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग से मिलेगी, तो ये वाले जो लाइनिंग वाला पॉइंट होता है आगे वाला, ये हमारा माइनस होता है और ये पीछे वाला हमारा प्लस होता है। इसके ऊपर M1 मिलेगा आपको, किसी भी और भी नंबर का भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर M1 नंबर का ही डायोड लगा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ बोर्ड के अंदर, ये देखिए ये वो डायोड है जो अभी मैंने आपको बताया है, और थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए ये हमारा डायोड है, इसके अंदर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था हल्की हल्की लाइनिंग मिलेगी। तो ये हमारा डायोड का माइनस साइड है और ये प्लस साइड है। इसके ऊपर नंबर भी मैं आपको दिखा दूँ, हल्का सा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरे में इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही बारीक में लिखा होता है, M1 लिखा होता है कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से देखिए ये हमारी एक नंबर पिन है, तो ये ट्रैक देखिए यहाँ से गया और ये हमारे डायोड के इस वाले पॉइंट पर आ गया, यानी प्लस वाले पॉइंट पर, जो कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है कि ये देखिए यहाँ से ट्रैक गया और ये यहाँ पर इसका जुड़ गया। तो ये हमारे डायोड का प्लस वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ गया और यहाँ पे एक पॉइंट हमारा आ गया, ये माइनस है डायोड का। और इसके बाद ये चला जाता है, ये जो हमारे बैटरी वाले पॉइंट है, तो इसके अंदर एक हमारे प्लस वाली पिन होती है,
अब ये वाली पिन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो इनमें से प्लस वाली पिन पे चला जाएगा इसका कनेक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरीके से, ये हमारी दो पिन है, एक हमारे प्लस की एक माइनस की, तो इस तरीके से ये प्लस का पिन हो गया मान लो, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन चला जाता है। और ये जो माइनस वाला है ये कैसे होता है इसका कनेक्शन, इसका देखिए ये जो बोर्ड होता है ना फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है कि एक ये जो प्लस वाली सप्लाई होती है ये तो ट्रैक के थ्रू जाती है, लेकिन ये जो माइनस वाली सप्लाई होती है यहीं से पूरे बोर्ड में ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 5 नंबर पिन है, ये 5 नंबर पिन है, इसको आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। अगर इस तरीके से आपको नहीं जोड़ना है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पूरा कनेक्टर होता है ये हमारा ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये अगर आप इस कनेक्टर के साथ में इसका भी कनेक्शन कर दोगे या फिर ऐसे जोड़ दोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर ये डायोड है इसको अगर वो यूज नहीं करना चाहते, इसको डायरेक्ट यहाँ से जैसे प्लस पॉइंट है यहाँ से एक वायर ली बैटरी वाले प्लस से और यहाँ पे कनेक्टर पे जोड़ दिया, इसको मान लो हमने हटा दिया, तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इस तरीके से भी हमारी बैटरी चार्ज होगी। लेकिन इसमें फॉल्ट क्या बनेगा कि जब अगर बाय चांस हमारे घर पर लाइट चली जाती है तो चार्जर के अंदर जो लाइट लगी होती है ना वो बैटरी से डायरेक्ट इसके अंदर बाईपास होगी और चार्जर की लाइट हमारी जलती रहेगी लाइट जाने के बाद। ठीक है, जब तक लाइट रहेगी तब तक तो बैटरी चार्ज होगी, लेकिन जैसे लाइट चली जाएगी तो ये बैटरी रिटर्न करंट भेज देगा चार्जिंग पिन को और फिर चार्जर की लाइट हमारी जलती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे डायोड लगाया जाता है ताकि अगर लाइट चली जाए तो हमारी जो बैटरी है वो उतरे ना, क्योंकि उसका जो करंट है वो हमारे चार्जर सप्लाई में वापस रिटर्न नहीं आता। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ऐसे इसके कनेक्शन होते हैं। अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, चार्जिंग कनेक्टर लेते हैं। अब चार्जिंग कनेक्टर भी कई तरह के मार्केट में मिलते हैं, आपको इसके हिसाब से लेना है। देखिए जो भी चार्जिंग कनेक्टर होते हैं ना उसके अंदर आपको ऐसे पॉइंट जरूर मिलेंगे, जैसे आप मोबाइल का चार्जर लगाते हो कोई भी चार्जर लगाओगे तो ऐसे होल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये जो होल है ना इसी के अंदर जब हम चार्जिंग कनेक्टर लेते हैं तो इसके अंदर लैग होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मेरे पास ये नया चार्जिंग कनेक्टर है इसको हम लेते हैं, इस तरीके से हम लेंगे, ये मैंने लिया। तो इसके अंदर देखिए ये जो साइड वाली पिने हैं, थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखा दूँ, कैमरा इतना फोकस अच्छे से नहीं कर रहा। बहुत ही जल्दी फ्रेंड मैं एक नया मोबाइल लूंगा तो अभी मेरा बजट नहीं है इतना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये वाली जो लैग आपको दिखाई दे रही है ना, ये लैग के हिसाब से ही आपको कनेक्टर लेना है, बाकी आगे वाला सिस्टम तो सेम ही होता है, ये चीज सेम होती है, ये लैग आपको देखनी है। तो इसके अंदर जैसे कि अगर हम इसको लगाएं तो ये इसके लैग इसके बराबर आनी चाहिए, ये जो होल है इसके अंदर अगर हम इसको इस तरीके से डाल देते हैं लैग इसके अंदर आ चुकी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट से कोई भी जैक लो तो आप अपना पुराना बोर्ड लेके जाओ या फिर अपना पुराना जैक लेके जाओ और इसी सेम साइज का ही जैक लेके आओ। ठीक है, नहीं तो आप ये पुराना बोर्ड भी ले जा सकते हो, क्योंकि अगर इनके ये जो पिने हैं अगर ये थोड़ी सी लंबी भी आती हैं, कई तरह के मॉडल आते हैं इस तरीके से, ये तो सेम ही चार्जर लगेगा, लेकिन ये जो लैग है किसी की लंबी आती है किसी की थोड़ी सी और साइड में चौड़ी होती है, तो इसलिए इस होल के अंदर फिट नहीं हो पाएगा और फिर अगर आप इस काम में नए हो तो आप इसके अंदर जैक लगा नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सेम साइज का लेके आना है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर इस तरीके से इसको ऐसे लगाना है और लगाने के बाद यहाँ पे अच्छे से पेस्ट लगा के इसको सोल्डिंग कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पिन को अच्छे से सोल्ड कर दिया है, इस साइड से भी और इस साइड पे, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और ये निकलेगा नहीं। अगर आप अच्छे से इसमें सोल्डिंग नहीं करोगे तो ये पिन फिर से उखड़ जाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चारों पॉइंट को आपको अच्छे से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से जोड़ लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि हमारे पीछे की तरफ 5 पिन है, तो 1 नंबर वाली पिन तो हमारी ओके है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 1 नंबर वाली पिन को इस तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग कर देनी है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ के साथ। तो देखिए इस तरीके से हमें 1 नंबर पिन को सोल्डिंग कर देनी है, एक को मैंने कर दिया। और ये जो 5 नंबर वाली पिन है इसको हमें क्या करना, 5 वाली पिन को जोड़ के इस तरीके की जम्फर वायर लेनी है पतली वाली, और 5 नंबर पिन से जोड़ के इसी कनेक्टर के साथ में हमें जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से वायर ली और यहीं से इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है वो पूरे हो जाएंगे। तो मैं फटाफट वायर को एक बार जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस जम्फर वायर को जोड़ दिया है, ये जो हमारी 5 नंबर की पिन है इससे जोड़ के इस कनेक्टर के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, आप इसके साथ में भी जोड़ सकते हो क्योंकि ये सारा हमारा ग्राउंड होता है। ठीक है, माइनस सप्लाई होती है इन पर, तो या तो आप इस पर जोड़ दो या इस पर जोड़ दो, एक ही बात है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से वायर को तोड़ के अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको लगाएंगे कनेक्टर को, ये मैंने कनेक्टर लगा दिया और यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्टर लगा दिया, तो इसके अंदर मेरे को हल्की हल्की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की लाइट जल रही है। तो ये क्या होता है फ्रेंड कि कुछ कुछ बोर्ड के अंदर ऐसा देखा गया है कि जब तक आप बैटरी वाली वायर नहीं लगाते
तब तक इसके अंदर फुल लाइट नहीं जलती। और कुछ में क्या होता है कि ये एलईडी हमारी खराब हो जाती है, तो आप बैटरी लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे आपको हल्की हल्की लाइट ही मिलेगी या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को भी कंफर्म करने का तरीका है, आप मल्टीमीटर से यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, फिर आपकी ये लाइट जले या ना जले उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खराब भी हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। कुल मिला के हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैंने डीसी 20 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम चलिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये जो कनेक्टर की अंदर वाली पिन है, इसका पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम टच करेंगे। एक को मैंने यहाँ पे रखा, दूसरे को यहाँ पे रखा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमें 4.52 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो हमने कनेक्टर लगाया है, ये बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली अब हम इसके अंदर इसको लगा के देखते हैं। ये जो रेड वाला बैटरी वाला जो कनेक्टर है, ये हमारे रेड वाले कनेक्टर में लगेगा। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है, हमेशा बैटरी वाली रेड कनेक्टर में लगता है, आप उल्टा मत लगा देना। स्पीकर वाले में अगर आपने गलती से भी लगा के इसको ऑन कर दिया, तो आपकी स्पीकर आईसी खराब हो जाएगी, बिना ऑन करे भी खराब हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बैटरी वाली वायर को लगा दिया, और ये स्पीकर वाली वायर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये मैंने इसको लगा दिया है, अब इसको हम चार लगा के देखते हैं। अगर रेड लाइट सही होगी तो फुल जलेगी, और नहीं होगी तो नहीं जलेगी। तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं जली, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज होगी। अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये स्पीकर हमारा ऑन हो गया और बैटरी भी हमारी चार्ज हो गई है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके भी किसी ब्लूटूथ स्पीकर का ये चार्जिंग का प्रिंट उखड़ जाए, लाइन वाला खास करके पीछे वाला जो ट्रैक है, पांचों उखड़ जाए, तो भी आपको कुछ भी नहीं करना। अगर एक नंबर प्रिंट उखड़ गया है, तो आपको डायरेक्ट डायोड के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देना, प्लस वाले पॉइंट पे, और माइनस वाली आप यहीं से ग्राउंड दे सकते हो। और इसका प्रिंट ओके था, तो इसलिए मैंने एक नंबर पिन को तो वहीं पे जोड़ दिया, और पांच नंबर पिन को इसके साथ में ज्वाइंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, और ये स्पीकर हमारा सही हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।